काबिलियत कभी किसी की मोहताज नहीं होती। आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन पैशन है तो आप कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं। कानपुर की डॉक्टर माँ ने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना परचम लहरा दिया। बचपन से एक ड्रीम था कहीं ना कहीं, बिकॉज ग्रूमिंग का, फैशन का सेंस था और पसंद भी, तो कहीं ना कहीं दिल में एक आवाज छुपी हुई थी कि करना चाहिए, जीने से पहले करना चाहिए। जवान मूवी का भी सॉन्ग है, जिंदा है तो जिंदा रहो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने इसका फॉर्म भरा एंड आई वॉज लाइक गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस फर्स्ट। देयर वर मैनी कैंडिडेट्स अक्रॉस इंडिया। फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद पता चला देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। तो समवेयर आई वॉज वीक इन माई माइंड एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग कि ठीक है करते हैं, आई विल चैलेंज द यू नो थिंग ऑल विच इज़ कमिंग माई वे। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी इंटरनल प्रिपरेशंस करी। कई बार मुझे ये भी पता चला कि मॉडलिंग स्कूल्स भी ज्वाइन करने चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल इस फील्ड की नहीं हूँ, कैसे होगा। तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे, अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर फाइनली मैं वहाँ गई। जी हाँ, कानपुर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग विभाग की फैकल्टी डॉक्टर आकांक्षा मैसी ने राष्ट्रीय स्तर की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना परचम लहरा दिया है। मिसेस इंडिया वन अ मिलियन 2023 प्रतियोगिता में आकांक्षा ने सेकंड रनअप का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन, मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी, मोस्ट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट ग्लैमरस का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे 80 से 90 कैंडिडेट्स थे और सब में आपस में पहले स्टेट वाइज कंपटीशन हुआ कि 28 स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, तो उसमें से 28 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होंगे। फिर दो दिन तक हमारे ये इस तरीके के सारे यू नो देयर वर मैनी राउंड्स लाइक दैट। 28 कैंडिडेट्स में से लोग सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद 28 स्टेट्स ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। सो आई वॉज रियली प्राउड टू रिप्रेजेंट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मैंने अपनी पोएम्स में बना के यू नो मैनी स्टैंडीज वर देयर, मैनी बैकग्राउंड एफर्ट्स। तो जो GDP लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश दे रहा है इंडियन इकोनॉमी को, वो मैंने पूरा इलस्ट्रेट किया। तो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग आई हैव डन बिफोर। मैंने उसको फिर किया तो उसमें से 28 टाइटल्स सेलेक्ट हुए। देन अगेन टू डेज और हमने आगे इसमें राउंड्स किए। देयर वर टैलेंट्स राउंड, देयर वर सिंगिंग राउंड्स, डांसिंग राउंड्स, देयर वर एरियल एक्ट्स ऑल्सो। फिर उसमें परफॉर्म करने के बाद बेस्ट 3 विनर्स सेलेक्ट हुए। तो आई वॉज सो फॉर्चुनेट टू कम इन द सेकेंड रनर अप कैटेगरी। द फर्स्ट विनर इज फ्रॉम पंजाब, फर्स्ट रनर अप इज फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ एंड आई एम द सेकेंड रनर अप फ्रॉम उत्तर प्रदेश। डॉक्टर आकांक्षा नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी है और उनको बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया का शौक था। 19 साल की शादी के बाद जब उनके बेटे ने कहा कि वो अपनी माँ का नाम गूगल पर देखना चाहते हैं, तो आकांक्षा ने तय किया कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आकांक्षा ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही इससे पहले किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। आकांक्षा को यूपी का होने पर गर्व है और उन्होंने यूपी के ऊपर लिखी कविता सुनाकर प्रतियोगिता के जजों का दिल जीत लिया। फैमिली से मुझे 100% सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड बहुत एनकरेजिंग और थ्रू आउट द प्रोसेस ही वॉज माई मोटिवेशन। माई सन वॉज एन एनकरेजमेंट। ही वॉज ऑलवेज सीइंग लाइक यू नो टैपिंग माई शोल्डर एंड सेइंग कि ममा यू कैन डू इट, आई वॉन्ट टू सी योर नेम ऑन द गूगल प्रोफाइल वेन एवर इज एनी बडी इज टाइपिंग डॉक्टर आकांक्षा मैसी। तो वहाँ पर आना चाहिए कि हाँ माई ममा वन। तो ये मेरे लिए बहुत एक स्पार्कलिंग एनर्जी का काम करता था एंड मुझे एनर्जी मिली तो मैं गई आगे। भारत का हृदय, हाँ मैं उत्तर प्रदेश हूँ। हृदय सा चमकता हुआ, हाँ मैं उत्तर प्रदेश हूँ। त्रेता में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या हूँ और काशी में विश्वनाथ हूँ। तो इस तरीके की मैंने पोएम बनाई थी पूरे उत्तर प्रदेश पे और वो पूरे 2 मिनट के लिए हमने इस पे एक्ट किया था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कल्चरल राउंड। मेडिकल प्रोफेशन से मैं कनेक्टेड हूँ, नर्सिंग फ्रेटर्निटी से मैं कनेक्टेड हूँ। इसको मैं कभी ड्रॉप नहीं करूँगी, इट विल डेफिनेटली बी इन माई यू नो प्रोफेशन एरिया। बट पैशन अगर मेरा रहा आगे, तो जैसे मुझे अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक आइडेंटिटी मुझे मिली है, तो डेफिनेटली मैं इसको आगे परस्यू करूँगी। इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के 90 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने इतने खिताब अपने नाम किए हैं। आकांक्षा इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और अपने प्रोफेशन के लोगों को देती है। भविष्य में भी आकांक्षा डॉक्टर पेशे के साथ फैशन में अपना नाम करना चाहती है।